हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीओ में। तो आज हम एक्सेल का नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको फाइल टाइप्स की जितनी भी ऑप्शंस रहती हैं उन सभी का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और वो कैसे कैसे काम करती हैं ये सब भी बताऊंगा। और उसमें कुछ ऑप्शंस को मैं आज छोड़ दूंगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि वो ऑप्शंस मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर करी हुई हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक शीट बनाई थी मार्कशीट के नाम से, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लाइक ऐसे ही रैंडम मार्क्स भरे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं फाइल के ऑप्शन पे चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो इन्फो, लाइक इन्फॉर्मेशन मीन्स इसका वही है। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शंस आपको दिख रही है, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इंस्पेक्ट वर्कबुक वर्जन्स, ब्राउज व्यू ऑप्शन, सॉरी ब्राउजर व्यू ऑप्शन, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ ये प्रोटेक्ट वर्कबुक को समझेंगे। ये नॉर्मली जो हमारी वर्कबुक है, जो हमारी फाइल है, उसको हम कितने तरीकों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीकों से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी ऑप्शंस हमें इस प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन में मिलेंगी। जैसे कि जैसे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे मार्क एज फाइनल, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, प्रोटेक्ट करंट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। ये रिस्ट्रिक्ट एक्सेस का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये चार ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले सिंपली ऐसे बता देता हूँ, ये सबसे पहले ऑप्शन है मार्क एज फाइनल, ठीक है। इसका मतलब ये है, मान लो हमने कोई नई फाइल क्रिएट करी, उसमें हमने जो डेटा डाला था हमने डाल दिया। तो कई बार क्या होता है कि जब हम फाइल को सेव करते हैं तो कई बार जल्दी जल्दी में हम कुछ डेटा डालो और बैकस्पेस लाइक गलती से प्रेस हो गया, तो क्या था वो क्लियर हो जाता है। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, मान के चलो ये फाइल है हमारी, ठीक है। अब मान लो मैंने शीट को अपडेट करना है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैथ हिंदी में किसी एक नया सब्जेक्ट डाल देता हूँ, लाइक आर्ट, इसमें आर्ट के सब मार्क्स नहीं थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, लाइक इस तरीके से मैंने ऐड कर दिए। अब क्या होता है कि लाइक हम कई बार जल्दी जल्दी में, से सभी को मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव, कंट्रोल प्लस एस की जो शॉर्टकट की होता है सेव। तो मान लो कई बार कंट्रोल एस करते करते वो कंट्रोल में से प्रेस नहीं हुआ, मेरे से एस प्रेस हो गया, देखो तो यहाँ एस प्रेस हो गया, और मैंने फिर से कंट्रोल एस प्रेस किया तो ये ऐसी फाइल सेव हो गई। तो ये क्या हुआ, जो हमारे डेटा है वो गलत हो गया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ कंट्रोल प्लस एस पे है। और मान लो यह सेव करने से पहले मुझसे कहीं ऐसे बैक स्पेस प्रेस हो गया, तो ये डेटा चला गया, फिर मैंने कंट्रोल एस किया ये सेव हो गया। तो इस गलती से बचने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं मार्क एज फाइनल। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ, मैं यहाँ फिर से वो डेटा एंटर कर लेता हूँ जो मैंने डाला था, ठीक है। ये लाइक मैंने आर्ट के मार्क्स डाल दिए। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी ये जो शीट है ये फाइनल होगी, अब मुझे इसमें से कुछ एडिट नहीं करना है, ठीक है। तो देख, तो जब मैं इसे मार्क एज फाइनल करूँगा तो एक्चुअल में ये मार्क एज फाइनल क्या करेगा, उस फाइल को एडिट नहीं करने देगा, ठीक है। ये वहाँ पे एक नोटिफिकेशन का पैनल ऐड कर देगा कि ये जो फाइल है ये फाइनल हो चुकी है, अगर आपको अभी दोबारा से कुछ एडिट करना है तो आपको जो एडिटिंग है वो इनेबल करनी पड़ेगी। देखिए मैं बताता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया मार्क एज फाइनल, ओके। अब ये मुझसे दोबारा पूछेगा, दिस वर्कबुक विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन सेव्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ कर दिया ओके, ठीक है। अभी फिर से मुझसे ये पूछ रहा है, ये मुझे बता रहा है, ये दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मार्क्ड एज फाइनल टू इंडिकेट दैट एडिटिंग इज कम्प्लीट एंड दैट दिस इज़ द फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये सिंपली ये बता रहा है कि, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूँ, जैसे मैंने यहाँ ओके प्रेस किया तो आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे जो रिबन वाली ऑप्शन थी वो सारी चली गई, ठीक है, क्योंकि लाइक उससे भी हम कुछ ना कुछ एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ शीट में दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, मैं कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं हो रहा। मैं प्रेस कर रहा हूँ कीज़ यहाँ पे कीबोर्ड पे, पर ये कुछ एडिट नहीं हो रहा है। मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ तो कुछ डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मार्क एज फाइनल का मतलब ये रहता है, इसलिए ये बहुत यूज़फुल है अगर आपको गलतियों से बचना है तो, क्योंकि गलती कई बार ऐसे होता है कि कोई जानबूझ के नहीं करता, गलती से हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे हो गई है, उससे एक तरीके की प्रिवेंशन है ये, ठीक है।
तो अगर अभी मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और ऐड करना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, एडिट एनी वे पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये लिखा रहा है, पहले मैं पढ़ के दिखाता हूँ, मार्क डैश फाइनल जो हमने किया था इसको, यहाँ लिखा रहा है एन ऑथर हैज़ मार्क्ड दिस वर्क बुक एज फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग। सिंपली कि मैंने जो ऑथर है इसने इस फाइनल को फाइनल मार्क कर दिया है, और जो इसकी एडिटिंग है लाइक उस तरीके उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी है। अगर मुझे वो रिस्ट्रिक्शन हटानी है तो मैं सिंपली यहाँ एडिट एनी वे पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को रिबन की जितनी भी ऑप्शन हैं सारी शो हो गई। अब मैं यहाँ कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, देखिए लाइक अब यहाँ मैं लाइक संस्कृत डाल देता हूँ, संस्कृत डालता हूँ, ये मैंने संस्कृत ऐड किया। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ भी मार्क्स डाल दिए, तो ये है मार्क डैश फाइनल। तो मैंने आपको लगाना भी बता दिया और हटाना भी बता दिया कैसे कर सकते हैं। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इसका क्या मतलब है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड? लाइक आप ऐसे मान लो, लाइक जैसे हम अपने फ़ोन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं, नहीं फ़ोन को छोड़ दो, लाइक हमारे फ़ोन में केवल कोई एप्लीकेशन रहती है, लाइक आप व्हाट्सएप को ले लो, तो आप उसमें जैसे पासवर्ड लगाते हो ना एक सिंपल एप्लीकेशन को, तो व्हाट्सएप को, तो लाइक इसमें ऐसा रहता है कि आप एक्सेल की किसी पर्टिकुलर फाइल को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से इसको इनक्रिप्ट कर देता हूँ पासवर्ड, तो जो मैं पासवर्ड अभी इसको यहाँ दूंगा, जितनी भी बार मैं फाइल खोलूँगा वो मुझसे पूछेगा कि हाँ मुझे इसका पासवर्ड बताओ। अगर पासवर्ड गलत हुआ तो वो नहीं बताएगा, तो सॉरी वो जो फाइल है वो ओपन नहीं होगी। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ प्रेस किया, अभी हम उससे पासवर्ड मांगे कि हाँ आप क्या पासवर्ड देना चाहते हो। तो मान के चलो मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4, ओके एंड देन एंटर। अभी हमसे फिर से मांग रहे हैं री एंटर पासवर्ड, मैंने फिर से डाल दिया 1 2 3 4। याद रखिएगा सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पासवर्ड नहीं लगेगा। ओके ठीक है, तब यहाँ तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर देता हूँ, पासवर्ड लगा ली, अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको इस फाइल को खोल के दिखाता हूँ, जैसे ही मैं खोल लूँगा ठीक है, तभी मुझसे पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मैंने इसको पासवर्ड से इनक्रिप्ट कर दिया है सिंपल। तो जैसे मैं पासवर्ड वो डाल देता हूँ जो मैंने डाला था, जैसे 1 2 3 4 मैंने पासवर्ड डाला था एंटर, अब ये फाइल ओपन हो गई। तो ये सिंपल जो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का मतलब ये है। अब आगे है प्रोटेक्ट करंट शीट, इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको शीट्स का मतलब बताया था, जैसे यहाँ हम शीट्स ऐड कर सकते हैं नीचे, मान के चलो मैंने 4 शीट डाल ली। अब मैं सेकंड शीट पे लाइक सेकंड शीट पे मैं सेम डाटा डाल देता हूँ, ठीक है मैंने डाल दिया ये। अब इसमें से कुछ मैं डेटा हटा देता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए शीट 1 में इतना डेटा है और शीट 2 में इतना है। ओके ओके, तो हाँ हम इस ऑप्शन पे चलते हैं। तो प्रोटेक्ट करंट शीट का मतलब ये है कि लाइक इस टाइम हम हैं शीट 1 पे, ठीक है, तो अगर अभी मैं उस ऑप्शन को इनेबल करता हूँ तो उससे क्या रहेगा कि अभी हमारे पास शीट 1 ओपन है, तो ये शीट 1 को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देगा, ठीक है, वो पासवर्ड मांगेगा हमसे दोबारा। हम इस पर्टिकुलर शीट को भी हम पासवर्ड दे सकते हैं, क्यों कि हमने ये डेटा डाल दिया है तो इसको कोई एडिट ना कर पाए, ठीक है, कोई बंदा इसको खोल के देख सकता है फाइल को लेकिन एडिट नहीं कर पाएगा, इस प्रोटेक्शन का ये मतलब है। ओके ओके, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले मैं ये जो पुराना पासवर्ड है इनक्रिप्ट वाला इसको हटा देता हूँ, मैंने सिंपली इसको सारा पासवर्ड हटाया डिलीट करके ओके कर दिया, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड था पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, हाँ सेव किया। अब जो पासवर्ड एक लगा हुआ था इनक्रिप्ट वाला पासवर्ड वो मैंने हटा दिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, वैसे आप सारे लगा सकते हो इकट्ठे कोई इशू नहीं है, पर अभी मैं सिंगल सिंगल करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे अभी हमारे पास शीट 1 ओपन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रोटेक्ट करंट शीट के ऊपर क्लिक कर दिया, तभी मुझसे पासवर्ड मांगेगा। ये जो नीचे के ऑप्शन है इनको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ये तो अभी मैं बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, तो फ्यूचर में कभी हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी सिंपल हम इसको पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। इन बाकी ऑप्शन को भी फ्यूचर में हम डिस्कस कर लेंगे कि इनका क्या क्या मतलब है। तो इसका मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5, ओके देन एंटर। तो मैं उसे फिर से पासवर्ड मांग रहा है री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, फिर से मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, ओके देन एंटर, ठीक। अब क्या हुआ, अब ये जो हमारी शीट 1 है ये लॉक हो गई है
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लाइक हम इस शीट को देख तो सकते हैं पर एडिट नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो मैं यहाँ कुछ नीचे देखो डेटा डालने लग रहा हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, द सेल और चार्ट यू आर टाइपिंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जिस भी हम सेल में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं ये प्रोटेक्टेड शीट में आ रहा है, तो हम इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये बोल रहा है टू मेक चेंजेस क्लिक अनप्रोटेक्ट शीट इन द रिव्यू टैब, यू माइट नीड ए पासवर्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको अनप्रोटेक्टेड शीट करनी पड़ेगी, मतलब अनप्रोटेक्ट करनी पड़ेगी शीट, जो कि आपको रिव्यू टैब में ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, और ये बोल भी रहा है कि हो सकता है कि आपको पासवर्ड भी मांगे, तो सिंपली ये मैंने पासवर्ड दिया होता है, ये पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा, ओके ऑब्वियसली। तो ठीक है, तो इन्होंने हमें रिव्यू वाली ऑप्शन बताई, मैं उसको वो बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहीं बताता हूँ जहाँ से मैंने आपको लगाना बताया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये अभी आप देख रहे हैं ये हाईलाइटेड आ रहा है, अभी मैं यहाँ से माउस हटा रहा हूँ तो देखिए, तो आपको यहाँ दिखेगा तो ये हाईलाइटेड होके आ रहा है, तो मीन्स ये जो इसमें पासवर्ड अभी लगा हुआ है। तो मैं इसको अच्छा हटाने से पहले मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि इससे शीट वन लॉक हुई है, शीट टू नहीं हुई है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ कुछ डेटा एंटर करना चाहूँगा, लाइक यहाँ मैंने संस्कृत डाल दिया, तो देखो यहाँ ऐड हो रहा है सब कुछ, यहाँ मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, इस शीट में कुछ भी कर सकता हूँ, शीट थ्री में कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए मैं कुछ भी डाटा डाल पा रहा हूँ, कुछ भी डिलीट कर पा रहा हूँ। ठीक है, पर मैं शीट वन में नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इस वाली ऑप्शन का ये मतलब रहता है प्रोटेक्ट करंट शीट का। ठीक है, तो हटाने के लिए मैंने सिंपल वहीं जाके प्रेस किया उसी ऑप्शन पे, और यहाँ मैं वन सेम वही पासवर्ड डाल दूँगा जो मैंने डाला था 1 2 3 4 5, मैं इसको करूँगा क्लिक, तो यहाँ से अब ये जो शीट है अब ये अनप्रोटेक्ट हो गई है, मतलब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, मैं कुछ भी डेटा इसमें डाल सकता हूँ। देखिए कुछ भी डाल रहा हूँ डल रहा है, ओके जस्ट आपको दिखाने के लिए, तो ये ऑप्शन भी हो गई, ओके ठीक है। तो वो पासवर्ड मैंने आपको लगाने भी बता दिया, हटाने भी बता दिया। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, ओके। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है, मैं यहाँ बैक होकर बताता हूँ, ये लाइक हमारी जो फाइल है उसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से आप क्या समझ सकते हो, लाइक उसमें कितनी शीट्स हैं, मोटा माटी भी यही मान के चलो कि कितनी शीट्स हैं, मान के चलो यहाँ चार शीट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता हूँ तो ये बाकी तो मुझे सब करने देगा, लेकिन ये मुझे शीट ऐड नहीं करने देगा, ओके। जो हमने पहले पासवर्ड यूज़ किया वो शीट को प्रोटेक्ट कर रहा था, मतलब किसी पर्टिकुलर शीट को प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब ये जो ये स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन है वो ये करेगी जो हमारी फाइल का जो स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज़ रहने देगा, उसमें कुछ हमें चेंजेस नहीं करने देगा। तो लाइक अभी मैं आप देख पा रहे हो मैं शीट ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये लाइक हमारी शीट का जो है स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सॉरी शीट का नहीं सॉरी फाइल का, ओके। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ 5 6 7 नंबर शीट में आ रहा है, मैं इनको पहले डिलीट कर देता हूँ, इनको मैं आगे ऐड करता हूँ ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ 4 है, मैंने 4th सेलेक्ट की, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो ये आगे ऐड हो रही है। ठीक है, वो पीछे ऐड हो रही थी उसको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं सिंपली बताता हूँ वो क्यों होता है। जैसे भी मान के चलो मैंने शीट 2 को सिलेक्ट कर रखी है, अगर मैं अभी ऐड करूँगा तो वो शीट 2 के आगे हमारी नेक्स्ट शीट ऐड होगी, ना कि शीट 10 के आगे। देखिएगा कि मैंने प्रेस किया तो ये शीट 11 ऐड हुई, लेकिन शीट 2 के बाद। तो सिंपल है, जो हमारी करंट शीट सिलेक्टेड होती है अगर हम कोई शीट ऐड करेंगे तो जस्ट उससे एक स्टेप आगे करेगा, ओके। तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, और बाकी हम इस शीट को मूव भी कर सकते हैं, लाइक जैसे मैं इसको पकड़ के यहाँ ले गया शीट 10 के आगे, तो ये सब हमारे कंट्रोल में रहता है, इतने हम चेंजेस कर सकते हैं। ये भी मैं धीरे धीरे आपको सब बता दूंगा वैसे। ठीक है, तो अभी मैं स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन का बता रहा था, ओके। तो अभी हम चलते हैं, तो हम करते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। अब मैं जैसे इसको इनेबल करता हूँ, मैं लाइक अब यहाँ पे भी पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5, या इस पर 6 कर दिया, ओके 1 2 3 4 5 6, ओके फिर से री एंटर 1 2 3 4 5 6, ओके एंटर। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अभी मैं यहाँ शीट में कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, शीट मेरी जो शीट है मेरी वो सारी एडिटेबल हैं, बट हाँ मैं कोई नई शीट ऐड कर नहीं कर पाऊंगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं तो ये जो प्लस वाला साइन है नई शीट वाला, ये हाईलाइट ही नहीं होगा, ये लाइट होने नहीं देगा खुद को हाईलाइट,
क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स हम शीट एड ऑर्डर आई थिंक शायद डिलीट भी ना कर पाए। हाँ देखिए, डिलीट भी नहीं कर सकते, तो इसमें ये दो ऑप्शन रहते हैं, ना हम ऐड कर पाएंगे शीट को, ना हम डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली जो हमारा वर्लपूल स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन है उसका मेन रीज़न यही है। अब मैं आपको इसको हटा के दिखा देता हूँ, सिंपली वहीं प्रेस किया हमने उसी ऑप्शन पे जाके, तो अब मैं पासवर्ड हर लगा के इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 देन एंटर। अभी आप देखिए, अच्छा ये तो एडिटेबल था ही, हमारे पास इसने लॉक किया था। हाँ देखिए, अभी हाईलाइट हो रहा है ना न्यू शीट। अब हमने स्ट्रक्चर को अनप्रोटेक्ट कर दिया, तो अब ये शीट्स को हमें ऐड करने देगा। ठीक है, लाइक उसका स्ट्रक्चर को हमें चेंज करने देगा। ओके, तो आई थिंक आज के लिए बहुत है इतना ही, नहीं तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा। तो फाइल की आज हमने एक ऑप्शन डिस्कस करी है, इन्फॉर्मेशन, और उसमें से भी उसका एक ऑप्शन हमने जो सब पार्ट है उसको डिस्कस किया है, जो है प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो आई थिंक आपको फाइल को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फाइल को छोड़ के उसके अंदर की किसी शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्लस उसके स्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आज हमने ये सब डिस्कस किया है। अभी भी अगर किसी के मन में कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन या कुछ क्वेरी रह गई हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से आपको आंसर करूँगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी आपको इसमें नई जानकारी मिली है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर रेगुलर वीडियोस अब लाने वाला हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।